गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं भूवेश सिन्हा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मुझे 5-6 कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आया है, वो स्पेशली ST SC से है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अंदर में जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आई है, सर उसके बारे में बताइए। तो ये जो अप्लीकेशन है ना, स्टार्ट हो गया था 29 जनवरी 2022 को और क्लोजिंग डेट उन्होंने रखा है 4 मार्च 2022 को। अप टू इवनिंग 5 PM तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का जो नाम दिया उन्होंने ऑनलाइन का, www.cisfrect.in, ये वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी जो रखा है उन्होंने ये कांस्टेबल ग्रेड का जो है, और 21,700 से लेके 69,100 तक का सैलरी रखा है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है, वो सारे उनकी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अब हम आपके आगे चलेंगे। ये जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन करना है, वेबसाइट का नाम जैसे बताया वो वेबसाइट पे जाके आपको करना है। इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा आपका, प्लस रिटन टेस्ट भी होगा कंप्यूटर बेसिस पे, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन से होगा, एंड मेडिकल भी होगा। जो कैंडिडेट इन सारे प्रोसेस कम्प्लीट करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि टोटल वैकेंसी जो निकली है 1149 पोस्ट पे आई है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज दी गई है। तो ये आप स्लाइड एक बार देख लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। टोटल वैकेंसीज आई है 1149 है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब आगे चलेंगे। इसमें उन्होंने फिर से अपना वेबसाइट का नाम मेंशन किया है, www.cisfrect.in। उसके बाद देखेंगे एज एरिया कितना है। तो 18 to 23 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। 23 ईयर वो लोग काउंट करेंगे 4 मार्च 2022 तक, और 5 मार्च 1999 से लेके 4 मार्च 2004 के इन बिटवीन में जो लोग एज बॉर्न हुए हैं उनका ईजी से एज रहेगा, मतलब अपर कास्ट के लिए। और ST SC के लिए एक्स्ट्रा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो लोग 28 ईयर तक वैलिड है, मतलब अप्लीकेबल एज तक वो लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। और रहा OBC के लिए, तो वो लोग 3 ईयर एक्स्ट्रा रहेगा, तो 26 ईयर तक रहता है उनका। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन का ये सब अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। अब हाइट की बात कर ले तो गोरखा हो गए, कोर हिमाचल प्रदेश के हो गए, जो स्पेशल स्टेट से आते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके लिए 165 सेंटीमीटर का रखा गया है। एंड चेस्ट है 68 से 83 सेंटीमीटर का है। और जनरल कैटेगरी का आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, हाइट 170 सेंटीमीटर्स रहना चाहिए, चेस्ट का जो है ना 80 to 85 रहना चाहिए। अब वेट वगैरह देख लेंगे, वो आपके हाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा। और इसके अलावा टैटूस नहीं होना चाहिए, टैटूस मतलब लोकेशन एरिया रहे पर्टिकुलर कितनी साइज तक की को अलाउ करते हो लोग, टैटू नहीं रहे तो अच्छा है। और इसके आगे में चलेंगे तो कुल मिला के यही वैकेंसीज निकल के आ रही है। ये अप्लीकेशन डिटेल्स मैंने बताया आपको अभी, और अगेन उन्होंने अब एक बार देख लेंगे क्वेश्चंस क्या आने वाला है। रिटर्न एग्ज़ाम जो है ना OMR सीट के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी ना आपको कंप्यूटर बेसिस में, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 नंबर का रहेगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरेंस का 25 नंबर का रहेगा, एलिमेंट्स मैथमेटिक्स 25 नंबर का रहेगा, और सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी जो है ना 25 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहेगा, और मिनिमम क्वालिफाई आई थिंक 35 रहता है, जो मैक्सिमम नंबर लेके आते हैं उनका क्वालिफाई होता है, और 120 मिनट्स मिलेगा आपको टोटल टाइम्स। तो फिर से मैं लास्ट एक बार बता देता हूँ आपको, www.cisfrect.in पे जाके इसे अप्लाई करना है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास है, आपका साइंस सब्जेक्ट है, तो यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन एंड साइंस सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्रूफ, एज नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट से जो एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा बना हुआ है सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए।
इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए होना चाहिए। ये सारे अगर आप कैटेगरी पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे अप्लाई करें। और जैसे देखिए मिनिमम स्कोरिंग मान 35% है अपर कास्ट EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड ST SC और OBC के लिए 33% से उनको 2% कम पे जाता है उनका स्कोरिंग मार्क्स। तो यही डिटेल्स थी फ्रेंड्स आप सबके साथ में शेयर करना था। आगे में देख लेंगे, इन्होंने फी रखा है 100 रुपीज़ का जो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बताया है क्या क्या आपको एप्लीकेशंस करने के टाइम पे परफेक्ट होना चाहिए आपके पास में, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर या इतने सारे आईडी प्रूफ में से किसी का नंबर चाहिए होगा। ये सारे आप जब भी एप्लीकेशन करने चाहे तो उसके पहले आप अपने पास में रख ले। अब जब भी आप ऑनलाइन का जो इनका वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा आपको एक पेज खुल के आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। ये रजिस्ट्रेशन फॉलो करने के बाद में सारे डिटेल्स एंड फोटोग्राफ आपको सबमिट करना, अपलोड करके सबमिट करना है। देन आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सबमिट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ये CISF की जो वैकेंसीज आई है टोटल 1149 का, प्लीज़ आप अगर इंटरमीडिएट पास है वो भी साइंस से है तो प्लीज़ इसे अप्लाई करें और एक बेटर फ्यूचर रहेगा इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।